मैं श्रीमती संगीता राय उच्च माध्यमिक शिक्षक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल एमएलबी जबलपुर से। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं विषय सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम इतिहास पढ़ेंगे। इसमें अध्याय चार औद्योगिकरण का युग। ये अध्याय दो भागों में बना है। ये पहला भाग है। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति। फिर हम देखेंगे कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ। फिर हम देखेंगे आगे औद्योगिक परिवर्तन की गति कैसी थी, रफ्तार कैसी थी, हाथों का श्रम और वाष्प शक्ति का उपयोग किस प्रकार किया गया औद्योगिकरण में, और फिर मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, दशा कैसी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसकी में कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो चित्र है वो डॉन ऑफ द सेंचुरी का है, नई सदी का उदय। इस तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी जो है हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए फरिश्ते के समान दिखाई दे रही। देखो बच्चों, उनका एक पैर जो है पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है, और ये पहिया जो है समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर दिख रही है, और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इसमें रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने शामिल हैं। ये चित्र में दिख रहा है नई सदी का उदय में। एक अगली चित्र भी हम देखेंगे। हम देखते हैं एक अन्य तस्वीर। इसमें दो जादूगर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राची इलाके का अलादीन दिखाई दे रहा है, जो जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया उसने, दिख रहा है चित्र में। फिर नीचे एक आधुनिक मैकेनिक भी दिखाई दे रहा है, जो अपने आधुनिक औजार से नया जादू रच रहा है। चित्र में दिख रहा है बच्चों, देखो वह पुल का निर्माण कर रहा है, पानी के जहाज, मीनारे, इमारतें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अलादीन है वो पूर्व और अतीत का प्रतीक है, ठीक है, और जो मैकेनिक है वो पश्चिमी और आधुनिकता का प्रतीक माना गया है। ये दोनों ही चित्र से हमें पता चलता है कि ये तस्वीरें जो है आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हुई दिखाई दी गई है। इस पाठ को समझते हैं अपन आगे, और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ नए शब्द भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आदि। किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत जो है वो आदि कहलाता है। दूसरा शब्द है स्टेपलर। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाटता है, ठीक है। फुलर, ऐसे व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। तीसरा शब्द है कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। बच्चों ये शब्द जो है वो नोट करें आप लोग, परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्न में, दो दो नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे पूर्व औद्योगिकरण। इंग्लैंड और यूरोप में कारखानों के शुरू होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन मौजूद था। यह कारखानों पर आधारित नहीं था। इसका मतलब यह है कि पूर्व औद्योगिकरण में के मतलब कहा जाता है, पूर्व औद्योगिकरण के समय इंग्लैंड और यूरोप में क्या होता था, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था, और ये उत्पादन जो है वो कारखानों में नहीं होता था, और औद्योगिकरण के इस चरण को ही क्या कहा गया है, प्रोटो औद्योगिकरण कहा गया है, या पूर्व औद्योगिकरण या प्रोटो औद्योगिकरण कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम कि कौन कौन से उद्योग जो थे, उत्पादन किस किस चीजों का होता था पूर्व औद्योगिकरण के अंतर्गत। तो हम देखेंगे हस्तशिल्प उत्पादन, और दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण। इस तरह के उद्योग जो थे वो कारखानों में नहीं होते थे, घरों में चलाए जाते थे। फिर हम देखेंगे औद्योगिकरण। तो हम देखेंगे इस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनना कम हुई। जब औद्योगिकरण हुआ तो स्वाभाविक है कि हस्त निर्मित वस्तुएं जो है वो बनना कम हो गई थी, उसकी मात्रा कम हो गई थी, और फैक्ट्री, मशीनें और तकनीकी का विकास बहुत तीव्र गति से होने लगा था, और इसी इसी चरण में अपन इसको कह सकते हैं औद्योगिकरण का युग।
इस चरण में हम देखते हैं कि इसमें खेतिहर समाज जो है वो औद्योगिक समाज में बदलते चले गए, परिवर्तित होते गए। और जो ये समय था वो 1760 से लेकर 1840 के बीच का समय था। युग इसी युग को हम औद्योगिकरण का युग भी कहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया आपको, पूर्व औद्योगिकरण और औद्योगिकरण ये अंतर में भी आता है। हम आगे देखेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले। हम देखते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि यूरोप में और इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, और ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था बल्कि घरों में होता था और हाथों से बनाया जाता था। सौदागरों और व्यापारियों के द्वारा बेचा भी जाता था, और ये सब काम जो है वो व्यापारियों के नियंत्रण में होता था। और कहा जाता है कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर के पास में 20 से 25 मजदूर जो थे वो काम किया करते थे। ठीक है, तो इन मजदूरों के द्वारा ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग मतलब उत्पादन किया करते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। औद्योगिकरण के इस चरण को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण भी कहा है। ठीक है, हम आगे देखेंगे 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि 17वीं और 18वीं सदी में जो सौदागर थे वो गांव में किसानों और कारीगरों से काम उन्होंने करवाया, ये कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो हम देखते हैं 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार के विस्तार के कारण और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण, ठीक है, वस्तुओं की मांग क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी, और इस मांग को पूरा करने के लिए शहरों में उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स जो थे वो बहुत प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे। ये क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्यों को तय किया करते थे, और इसके साथ साथ ये शासकों के द्वारा भी उनको एक अधिकार प्रदान किया गया था, और ये जो थे गिल्ड्स जो थे वो नए व्यापारियों को व्यापार करने नहीं देते थे। इसीलिए जो नए व्यापारी थे इन्होंने गांव का रुख किया, ठीक है, और गांव के लोगों को काम दिया। गांव के लोग क्यों तैयार हो गए शहर इनके काम करने के लिए, तो ये भी हम देखते हैं कि गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार जो थे वो सौदागरों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये जो समय था इस समय छोटे छोटे खेत जो थे वो खत्म होते जा रहे थे, संयुक्त खेत की बाड़ाबंदी की जा रही थी, और उनका घर का खर्च चलाना बहुत कठिन होता जा रहा था। इसी समय किसान जो थे नया स्रोत ढूंढ ही रहे थे, और परिवार को पालन उनके लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। परंतु जैसे ही शहरों के यूरोपीय सौदागर गाँव में आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशी की रकम दी, तो किसान और कारीगर जो थे वो काम के लिए फौरन तैयार हो गए। ठीक है, ये लोग गांव में रहकर अपने खेत को भी संभालने लगे थे, क्योंकि छोटे छोटे खेत बचे थे इनके पास में, और ये साथ में ही सौदागरों का काम भी करते थे। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरे परिवार के श्रम संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। उनको इसका मौका मिला था, पूरे परिवार के सदस्य मिलकर काम करते थे, कम समय में अधिक उत्पादन करने लगे थे। ठीक है, इस व्यवस्था से शहरों और गाँव के बीच में एक घनिष्ठ संबंध भी स्थापित हो गया था। सौदागर शहरों में रहते थे लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहातों में ही चलता था होता था। चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय कहाँ होता था, घरों में होता था, और उस पर सौदागरों का पूर्ण नियंत्रण भी होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए चित्र भी दिख रहा है हमें 18वीं सदी में कताई करते हुए। यहाँ पे दिख रहा है कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे, और एक ही चरखी पर केवल एक तकलीफ बन रही है, इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम आगे देखेंगे कारखानों का उदय, देखते हैं कारखानों का उदय। सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई, तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में 30 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा जो है 18वीं सदी के आखिर में हुआ। कपास जिसको कॉटन कहेंगे नए युग का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सूती कपड़ा उद्योग में हुई थी, इसीलिए उसको नए युग का प्रतीक भी कहा जाता था। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। कहा जाता है कि 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था, और 1787 में
यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। देखिए उत्पादन कितना अधिक होने लगा था, यहाँ पे स्पष्ट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 18वीं सदी में आविष्कार कौन कौन से हुए थे जिससे उत्पादन बढ़ा था। तो सबसे पहले देखेंगे हम बीज ड्रिल का आविष्कार 1701 में हुआ। इसके बाद दूसरा है कोक फायर फर्नेस का आविष्कार जो है वो 1709 में हुआ। तीसरा है कंडेंसिंग स्टीम इंजन का आविष्कार जो है वो 1763 में हुआ। आगे हम देखेंगे कपड़ा उद्योग में कौन कौन सा आविष्कार हुआ जिससे ये उद्योग बहुत अधिक बढ़ा। तो हम देखेंगे 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया, और 1764 में स्प्रिंग जैनिंग मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया, और 1779 में स्पिनिंग म्यूल्स का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया। ठीक है, तो ये आविष्कार भी देख लिया हमने और किस प्रकार कारखानों का उदय हुआ। हम देखेंगे कारखानों से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले देखेंगे श्रमिकों की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई, है ना। कार्यकुशलता कारखानों से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है मशीनों से अधिक उत्पादन होने लगा, ठीक है। तीसरा देखेंगे एक ही छत के नीचे सारा काम होने लगा, क्योंकि एक ही कारखाने बड़े होते थे तो एक ही छत के नीचे सारा काम होता था, मशीनों से उत्पादन भी ज्यादा होने लगा था। श्रमिकों पर निगरानी रखना आसान हुआ, क्योंकि पहले घरों में काम होता था तो निगरानी रखना कठिन होता था, परंतु जब कारखानों में काम होने लगा तो श्रमिकों पर निगरानी कर रखना बहुत आसान हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है समय की बचत, ठीक है। समय की बचत से अधिक कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा था, और उससे व्यापार आगे बढ़ने लगा था, उत्पादन बढ़ने लगा था। हम देखेंगे औद्योगिक परिवर्तन की गति कैसी थी, उसकी रफ्तार कैसी थी। सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योगों का विकास हुआ। 1840 ईस्वी के दशक तक ब्रिटेन में यह सबसे बड़ा उद्योग था, और उसके बाद कौन सा उद्योग आया, लोहा और स्टील उद्योग, ठीक है। 1840 ईस्वी के दशक से इंग्लैंड में और 1860 ईस्वी के दशक तक ब्रिटेन अपने उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार कर चुका था। इससे लोहा और स्टील का निर्यात क्या हो गया था, बढ़ गया था, और इंग्लैंड स्टील और लोहा का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन चुका था, ठीक है। औद्योगिकरण के बाद भी परंपरागत उद्योग चालू रहे, है ना। ये नहीं कहेंगे कि मशीनी युग आ गया तो अब परंपरागत उद्योग खत्म हो गए हैं, बल्कि ये हुआ था कि औद्योगिक क्षेत्र में केवल 20% मजदूर ही लगे हुए थे, ठीक है। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कारखानों में नहीं बल्कि कहाँ काम करता था, घरेलू इकाइयों में काम किया करता था। फिर हम देखते हैं भाप से चलने वाली मशीन से सूती और धातु उद्योग फल फूल रहे थे, लेकिन छोटे छोटे आविष्कारकों से पटरी उद्योग, कांच, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजार के उत्पादन में भी क्या हो गई थी, तरक्की हो रही थी। फिर हम आगे देखेंगे प्रौद्योगिकी बदलाव में कि गति जो थी वो धीमी थी। गति क्यों धीमी थी, क्योंकि मशीनें आ गई थी परंतु मशीनों पे नई तकनीकों का पर लोगों का विश्वास कम था। नई तकनीक महंगी थी, सौदागर और व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको उस पर ज्यादा विश्वास नहीं था। मशीनें अक्सर खराब हो जाया करती थी, ठीक है, और उनकी मरम्मतों पर भी बहुत अधिक मतलब पैसा खर्च होता था, और ये मशीन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उनके आविष्कारकों और निर्याताओं का निर्माताओं का दावा किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी की जो बदलाव की जो गति थी बहुत धीमी थी, क्योंकि मशीनें आने के बावजूद भी लोगों का इसमें विश्वास नहीं था, इसलिए वो हाथों से ज़्यादा काम करना, लोगों से करवाना ज़्यादा पसंद किया करती थी। एक गतिविधि और देखेंगे बच्चों अपन, एक देखिए लंका शायर कॉटन मिल का है, और दूसरा चित्र जो है औद्योगिक मैनचेस्टर का है। दोनों ही छवियों को देखने के बाद हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है ना, यही अंतर हम इसमें देखेंगे और अपने विचार जो है संक्षेप में लिखेंगे, ठीक है। इसको आप गतिविधि को कॉपी में करेंगे। हाथों का श्रम और वाष्प शक्ति का उपयोग। हम देखते हैं कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक परिश्रम की कोई समस्या नहीं थी।
देखिए विक्टोरिया कालीन मतलब 19वीं सदी में क्या हुआ था, मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, मतलब मजदूरों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पारिश्रमिक की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, और महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझा जाता था। मतलब जो सौदागर थे वो क्या करते थे, मशीनों पे उनका विश्वास नहीं था क्योंकि महंगी थी वो, ठीक है, और श्रमिक आसानी से मिल जाते थे तो मशीनों की अपेक्षा श्रमिकों से काम करवाना वो ज्यादा अच्छा समझते थे, बेहतर समझते थे। अब देखिए आगे अंतर और एक और दिख रहा है कि मशीनों से बनी चीजों एक जैसी होती थी, ठीक है, और हाथों से बनी चीजें अलग अलग डिजाइन की हो सकती हैं, ठीक है, उनकी हाथों से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला मशीनें नहीं कर सकती थी, ठीक है। और एक और बात कहेंगे हम यहाँ पे कि उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को ज्यादा पसंद किया करते थे, तो हाथों से बनी चीजों की मांग उस समय जो थी वो बहुत अधिक थी, ठीक है, मशीनों की अपेक्षा। आगे हम देखेंगे कि 19वीं सदी के अमेरिका में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। देखिए अमेरिका की स्थिति ब्रिटेन से बिल्कुल भिन्न थी, वहां पे श्रमिकों की कमी थी और इस कमी के कारण ही कहा जाता है कि वहां मशीनीकरण एकमात्र रास्ता बचा हुआ था, ठीक है। यह चित्र दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर हाथों का श्रम और वाव शक्ति का उपयोग दिख रहा है। मजदूरों की जिंदगी, श्रमिकों का जीवन, ये चित्र में देखिए बच्चों ध्यान से किस प्रकार लोग परिवार सहित खड़े हुए लाइन से काम की तलाश में। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई, काम की तलाश में भारी संख्या में लोग गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे। कहा जाता है कि जब लोगों को पता चला कि शहर में कारखाने खुले हैं, नौकरियां आई हैं, तो लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में शहर की तरफ लोग आए, हुजूम बढ़ा और नौकरी की तलाश में ही लोग निकले। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे रिश्तेदारी पर निर्भर किया करती थी, मतलब जिसके रिश्तेदार हुआ करते थे कारखानों में काम करने वाले, तो उनको नौकरी ज्यादा जल्दी मिलती थी। कहा जाता है कि अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हुआ करती थी, परंतु यदि उनके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं है, कोई दोस्त यार उनके उस कारखाने में काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसरों में क्या करते थे, रातें काटा करते थे, ठीक है। बहुत सारे उद्योगों में मौसम के हिसाब से काम दिया जाता था, जिसके कारण कई श्रमिकों को क्या होता था, कई महीनों बैठना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाया करती थी, तो कई बार तो वो गांव की तरफ चले जाते थे, वहां रोजगार देखते थे, परंतु बहुत अधिक संख्या में लोग शहर में ही रहते थे, वहीं पर वो काम करने की मतलब रोजगार देखने की कोशिश किया करते थे। ये स्थिति जो कहा जाता है कि 19वीं सदी के मध्य तक जो था वो काम करना आसान उस समय नहीं था। स्पिनिंग डाइनिंग मशीन का विरोध, ये मशीन का चित्र दिख रहा है बच्चों, नया शब्द देखेंगे स्पिनिंग डाइनिंग। जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। देखिए यहाँ पर इस चित्र में भी दिख रहा है, परंतु इसका विरोध क्यों किया गया, ये भी देखना है हमको कि किन कारणों से विरोध किया गया था, क्योंकि ये काम जो था महिलाओं के द्वारा जाता, इस मशीन के आने से क्या हुआ था, समस्या बेरोजगारी की बढ़ गई थी और इस क्षेत्र में महिलाएं अधिक संलग्न थी, इसीलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पे पड़ा था, और इसीलिए कहा जाता कि ब्रिटेन की महिलाओं ने ही स्पिनिंग डाइनिंग मशीन पर हमला कर दिया था, क्योंकि उनके रोजगार जो थे, उनकी नौकरियां जो थी वो छिनती जा रही थी और ये कम समय में अधिक उत्पादन करने लगी थी। तीसरी घटना पर एक और मैं स्रोत बताऊंगी कि जिसके कारण ये बात स्पष्ट होती कि ये घटना सत्य है और इसका विरोध किया गया था, मशीन को नुकसान पहुंचाया गया था, एक स्रोत में दिखाया गया है या एक रिपोर्ट है ये मजिस्ट्रेट की। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले पर निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूर और उसकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण
छिन गया था। ठीक है, शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से ही शारीरिक श्रम की मांग जो थी वो घटने लगी थी। औरतों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। आदमियों को तो समझाना क्या होता था, आसान होता था, इसीलिए कुछ खींचे ताने के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। ये स्रोत दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि मशीन को नुकसान पहुंचाया गया था। और ये नुकसान क्यों पहुंचाया था, आपको मालूम है कि उनका काम छिन रहा था इस मशीन के कारण। एक गतिविधि भी है बच्चों, देखेंगे हम, क्योंकि हमने औद्योगिकरण जो है पाठ समझ लिया है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम इसकी समस्याएं कौन, औद्योगिकरण के कारण कौन कौन सी समस्या आ सकती है, इसके इस पर एक परिचय, एक गतिविधि है। देखते हैं, दो ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्या पैदा हुई। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियार व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, इस गतिविधि को आप करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इस अध्याय के। सबसे पहला, पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ बतलाइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया था। तीसरा प्रश्न है, बीज ड्रिल का निर्माण कब किया गया। चौथा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। पांचवा प्रश्न, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों किया, समझाइए। अंतिम प्रश्न छठवा, औद्योगिकीकरण का श्रमिकों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको नोट करना है और कॉपी में हल करके याद करना है। धन्यवाद।